अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ सब खैरे से होंगे। मैं हूँ ज़ियाउर रहमान रियाज़ सऊदी अरबिया से। आज की वीडियो मैं फैमिली वीज़ा के हवाले से बनाने वाला हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हम फैमिली के साथ कैसे मूव कर सकते हैं। ज़्यादातर फीमेल्स के मैसेज आते हैं कि भाई हमें बताएं कि हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ हम कैसे सऊदी में जॉब हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं या जिनके कारोबार सेट भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के बिगड़ते हालात की वजह से वहां से वो निकलना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं फैमिली वीजा के जो हकायक हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज से तकरीबन 7 साल पहले मैं जद्दा में रहता था, आजाद वीजे पे था। तो जद्दा में अजीजिया नाम का एक एरिया है, वहां पे पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल, इंडियन इंटरनेशनल स्कूल और उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी थे। यानी उस एरिया में अजनबी बहुत ज्यादा रहते थे, पाकिस्तानी और इंडियन बहुत लोग थे। वहां पे जाके ना तो बिल्कुल पाकिस्तान वाली फील आती थी कि हम पाकिस्तान में आ चुके हैं। जिस तरह बाकी बहुत सारी खाने की चीजें ऐसी होती हैं जो हर जगह पे अवेलेबल नहीं थी, वहां पे अवेलेबल थी। जिस तरह दही भल्ले, फ्रूट चाट, पकौड़े, समोसे, पाकिस्तानी खाने, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वहां पे बहुत ज्यादा थे। उस एरिया में क्योंकि स्कूल वगैरह बहुत ज्यादा थे, प्राइवेट भी थे, वहां पे जो फैमिली फ्लैट थे ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे और फ्लैट ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। यानी वहां पे हर तरफ अजनबी आपको देखने को मिलते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने वहां पे दुकानें बनाई थी, कोई दर्जी है, किसी ने किराने की दुकान बनाई हुई है। यानी हर बंदा कोई ना कोई कारोबार सेट किया हुआ था उस एरिया में, अजनबी ही अजनबी थे। तो यकीन माने उस एरिया को मैंने अपनी आंखों के सामने वीरान होते देखा। पहले फैमिली वीजे का ये सीन होता था कि जो एक अमा होल्डर बंदा होता था, जो वर्क वीजे पे आया होता था, जिसने अपनी फैमिली बुलाई होती थी ना, तो एक साल के बाद जब उसका एक अमा रिन्यू होता था, पूरी फैमिली का एक अमा उसी के साथ रिन्यू हो जाता था। यानी अगर 6-7 हजार रियाल में एक बंदे का एक अमा रिन्यू हो रहा है तो फैमिली का उसके साथ ही हो जाता था, कोई फैमिली के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते थे। तो अचानक से यहाँ की गवर्नमेंट ने जब थोड़ी बहुत चेंजिंग की तो उन चीजों का जो इफेक्ट था फैमिली वीजा पे बहुत ज्यादा पड़ा। तो पर हेड के हिसाब से इन्होंने टैक्स लगा दिए। तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज जिनके 4-4, 5-5 बच्चे, तो पर हेड के हिसाब से तकरीबन 400 रियाल तक पर मंथ का टैक्स लगा दिया, जो कि सालाना तकरीबन 5,000 बनता है। तो 5-6 लोगों का तकरीबन 30-35 हजार वो हो गया। तो यानी सिर्फ और सिर्फ ये एक अमे का जो एक्सपेंस था वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि अफोर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। उसके अलावा खाने पीने के खराजात और फ्लैट का रेंट वगैरह, ये सारी चीजें मिला के तो खर्चे जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज जो 20-25 साल से यहाँ पे सेटल थे, जिनके बच्चे यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे पले बड़े, जिनको सिर्फ ये पता था कि हम पाकिस्तानी हैं, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था लेकिन कभी वो पाकिस्तान गए नहीं थे, उन लोगों को भी मजबूरन अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान भेजना पड़ा। तो जद्दा अजीजिया के अंदर जिस जगह पे फैमिली फ्लैट ढूंढना एक टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था, उस जगह पे मैंने बिल्डिंग्स को खाली होते देखा और बहुत सारे स्कूल जो प्राइवेट थे वहां पे उनको मैंने ताले लगे देखे हैं। यानी अचानक से इस कदर हालात चेंज हो गए कि जो लोग, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था उस एरिया को, उस शहर को छोड़ के जाने के हवाले से, उन लोगों को भी जाना पड़ा। फैमिली वीजा की तो डिटेल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, विजिट वीजा की। ज्यादातर जो लोग हैं ना अब यहाँ पे फैमिली को विजिट वीजा पे बुला रहे हैं। बेसिकली फैमिली वीजा और विजिट वीजा जो होते हैं ये फ्री होते हैं, लेकिन फैमिली को यहाँ पे बुला के जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त करना सबसे बड़ा मेन चैलेंज होता है। जैसे आमतौर पर मर्द हजरात यहाँ पे रूम शेयर करके रह रहे होते हैं, किराया वगैरह कम होता है, लेकिन जब आपने यहाँ पे फैमिली को बुलाना है तो जाहिर सी बात है आपको किसी फैमिली बिल्डिंग में, किसी ऐसी बिल्डिंग में यहाँ फैमिली फ्लैट हो तो वहां पे आपको फ्लैट लेना पड़ेगा। और यहाँ पे फ्लैट किराए पे लेने के लिए कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल का जो किराया है वो एडवांस में देना पड़ता है, और मिनिमम मेरे ख्याल में जो एक मंथ के हिसाब से अगर वो किराया होता है 1500 से 2000 रियाल होता है। तो अगर आप 2000-2500 सैलरी पे हैं तो फिर तो आपके लिए पॉसिबल है ही नहीं ये। अगर तो आप वेल एजुकेटेड हैं और आपके एजुकेशन के लेवल के हिसाब से आपको कम से कम 5000 रियाल सैलरी पैकेज की कोई जॉब मिलती है, फिर ही आप फैमिली के साथ यहाँ मूव करने का सोच सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको जो यहाँ के अखराजात हैं वो सारे बता चुका हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फैमिली को यहाँ पे बुलाना मुश्किल नहीं है, फैमिली बुला के जो अखराजात हैं उनको बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी 5000 रियाल से कम हो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।